सब्लामान सो टुडे वीलिंग विदर्ड नॉमन क्लचर थर्ड टाइप ऑफ नॉमन क्लचर ऑफ द पॉलिमर्स अभी तक हमने दो नामन क्लेचर्स पढ़े हाउ वी कैन नेम द पॉलीमर्स एक नॉमन क्लेचर हमने पढ़ा दैट वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और एक नॉमन क्लचर हमने पढ़ा था दैट वॉज बेस्ड ऑन द सोर्स तो ये थर्ड नॉमन क्लचर है इट्स कॉल्ड एज इट्स ऑल्सो कॉल्ड इज द ट्रेड बेस्ड नॉमन क्लचर इसका और एक नाम भी है दूर देशन बेस्ड नॉम क्लेचर एबरवेशन इट इज सिंपली लाइक ऑफ़ नीम सो इट इज एबरवेशन सो वट आर दबरवेशन ऑफ वेरियस पॉलिमर एक पॉलिमर को हमें नाम देना है वी हैव टू यूटिलाइज इट इन डे टू डे लाइफ इन द लैब इन द

आप उस नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑटोमेटिक आज की uh, जो जनरेशन है दे विल नेम इट ऑन द बेस ऑफ एबरवेशन फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं हायर एजुकेशन सो दे विल से इट इज एच ई डी सो ऑटोमैटिक नेम कम्स द माइंड सो थर्ड नॉमन क्लेचर दॉलीमर नॉमन क्लेजर विच इज बेसिकली द ट्रेड बेस्ड नॉमन क्लेजर इज ऑल्सो द एबरवेशन तो इसमें हम इसमेंपल ले लेते ले ले हैं फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ईजी है फॉर विल टेक ऑफ वेरी सिंपल द पॉलीमर इज पॉलिथलीन इसको हम ऐसे दिखाते हैं इसकी इट्स uh, ऐसे दिखाते हैं इसको दिस इज योर पॉलिथलीन ठीक सो पॉलिथलीन मीन सेंस इट्स नेम जो है दट इज पॉलीथलीन आप क्या कर लीजिए जो इसका सोर्स बेस्ड नेम है पॉलीथलीन polyethylene. Polyethylene. तो इसमें आप देखिये दो सिलेबल आ रहे हैं पॉली एंड इथलिन सो पॉली इसका पहला आप लीजिए अल्फाबेट इज पी इथलिन सेकेंड सिलेबल सो देर आर टू सिलेबल वन इज पॉली एंड इथेलीन आपके नेम में दो सिलेबल बनते हैं जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सो दी एंड ई स्टैंड फॉर दैट इज योर पी सो दैट पी बिकम्स योर योर ट्रेड नेम या योर एप्रोवेशन नेम

इल इसका पहला लीजिए वी क्लोराइड इसका सी सो दैट दिस इज योअर नेम देशम पी वी सी लेट एस टेक सम मोर एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टाइरिन जो कॉमन है सो योर सोर्स नेम ऑफ द पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरिन सो यू है पॉली वन सेलिबल स्टायरिन वन सो पॉली का पी लीजिए स्टाइरिन का एस दैट इज योअर पी एस So, that is your trade-based nomenclature, that is PS. Strictly way, so we can take many examples. For example, we will take uh, um, polymethyl methacrylate. So, our polymer uh, name, that is polymethyl methacrylate. Polymethyl methacrylate. ये नेम जो है इट्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इट्स अ सोर्स बिस्ट नेम आप देखिए पॉली नंबर अनदर जब हम प्रोनाउंस करते हैं मिथ एक्राइलेट सो द टेक पी फ्रॉम हेयर देन एम फ्रॉम द मिथाइल देन एम अनदर मिथ देन एक्राइलेट में ए सो इट बिकम्स पी एम एम ए सो दिस इज योर ट्रेड नेम फॉर पॉली मिथाइल विथ सो वन मोर एग्जाम्पल One more example. Uh, let us take uh, example of uh, natural rubber. Natural rubber is also called as the isoprene. जो आपको टू मिथाइल वन थ्री बीटाडा से बनता है दैट इज आईसरी पॉली आइसोप्रीन ठीक इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल रबर सो ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल रबर जो हमने पढ़ा है इट्स ऑबटेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री द लेटेक्स ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री दैट इज हेविया एसलेंसिस सो नेचुरल रबर सो इट्स एन फॉर नेचुरल दिस इज यूअर नॉम क्लेचर दैट इज युअर सोर्स बेस्ड नॉमन क्लेचर तो पॉली आप इसको ये मैंने लिखी है इसके सिलेबल पॉली टेट्रा फ्लोरोन जब हम सिलेबल नेम पढ़ते हैं प्रोनाउंस तो राइट नेम पी टी टेट्रा से एफ फ्लोरोन पॉली टेट्रा पी टी एफ ई सो नेम ऑफ योर द स्ट्रेट नेम ऑफ योर पॉलीमर दैट्स पी टी एफ ई एंड दिस वे वी कैन टेक मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर्स एंड वी कैन नेम दिस पॉलीमर इजिली इसी तरह से इफ यू है पॉली एस्टलीन कंपनी पॉलिस्टलीन मीन जहां पे हमारा मोनोमर है सी एच थ्री सी एच सी एच सो वे इट फॉर्मस द पॉलिमर इट बिकम्स पॉलीस्टलीन एक डबल मॉन्ड आपका खत्म हो जाता है सो यू हैव द पॉलीमर लाइक दिस

एक ही, नहीं, एक ही सिलेबल इन सो दी तो ए सी फ्रॉम दर पी ए सी दैट पैक पॉलिमर सो द कॉमन वे ऑफ नेमिंग ये बहुत आसान है इतना ज्यादा इसमें कॉम्पलेक्सिटी नहीं है इट्स वेरी इजी टू है ट्रेड बेस्ड नेम है Uh, i think these are enough uh, for the, as far as the nomenclature, third category of nomenclature is concerned, that's the trade-based nomenclature, where we actually take the name, you see, it's uh, pronounce the name, then you get the syllables in the name, and then take the first alphabet of the syllable, uh, that you will get the name of the polymer, that's the trade-based nomenclature, or the abbreviation for that particular nomenclature. The both these, yeah, so this is, all about the polymer nomenclature which we have cleared three lectures so we'll see the next what comes in the polymer chemistry so this is all for the day